बेसिकली हम लोग का विजन है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन एंटरप्रेनर्स है, जो अचीवर्स है, जो आर्टिस्ट है, उनको एक अच्छा मौका मिले, उनको एक मोटिवेशन क्रिएट होता है उससे, और एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक सेलिब्रिटी का एंडोर्समेंट उनके ब्रांड के लिए, उनके फेस के लिए उनको यूजफुल रहता है उनके बिजनेस में। तो बेसिकली नेटवर्किंग इवेंट था और अच्छा लगता है कि हर सिटीज़ में, हर स्टेट में अलग अलग बिजनेसमैन, अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं और उनके साथ एक बॉन्ड बनता है। तो सागा स्टार अवार्ड्स का विजन है कि ऑल ओवर इंडिया, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड, सारे ऐसे कम्युनिटी क्रिएट करें और लोगों को मोटिवेशन और अचीवर्स को अवार्ड दें, फेलिसिटेट करें। तो आज पूरा में कितना अच्छा लगा ये इवेंट ऑर्गेनाइज करके, अवार्ड ऑर्गेनाइज करके, जिससे जो लोगों के फेस में जो खुशी देख पा रहे थे, क्योंकि आप डायमंड को डायमंड देके जब इस यहाँ से आप लोगों ने बाहर भेजा। जी बेसिकली मिस्टर रिकी सर इज माई गुड फ्रेंड और उनका जो कंपनी है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हम लोग को और बहुत खुश भी हुए हो। और उनकी फैक्ट्री है पहली की जो लैब डायमंड बनाते हो कर्मा फ्री, और वो काफ़ी इस समय फेमस हो रहा है, काफ़ी वो एग्रेसिव इस मार्केट में। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और जितने भी हमारे अवार्डीज हैं, जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे कॉज को, ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। तो ये अवार्ड जिन्हें दिया गया है वो पूना से ही थे कि आप कहाँ कहाँ से? जी जो भी अवार्डीज थे उसमें 80% पूना से थे, कुछ बॉम्बे से भी थे, नई मुंबई से थे, क्योंकि ये कनेक्टेड है तो सब लोग ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें। सुप्रिया जी, आप एज अ पार्टनर, जिस तरह से मनोज जी के साथ हमेशा ये चुनी हो रही है, तो आपकी कितनी कोशिश रही कि जो इस अवार्ड को डिजर्व करते हैं उन लोगों तक ही ये अवार्ड जाए? ओके, बेसिकली हमारा एक फिल्टरेशन प्रोसेस था ये शो होने के लिए। 1 month पूरी टीम ने मेहनत की है, काफ़ी लोग हैं एंड काफ़ी बिजनेस में जुड़े, इसमें एक नेटवर्क क्रिएट हुआ। मेन मोटिव इसमें है कि एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी हो, एक मीडिया में बज हो, ऑफ कोर्स थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू द सेलिब्रिटी वी हैड। थोड़ी सी कोशिश थी हमारी कि सेलेब ग्लैम हर एक ब्रांड को मिले जो डिज़र्व करता है, छोटे से बड़े ब्रांड को, तो वो आई थिंक हमने अचीव किया एंड द टीम वाज वेरी सपोर्टिव फॉर इट। दैट्स ऑल अबाउट इट। तो इसमें गर्ल्स भी काफ़ी, वुमेंस भी नजर आए। yes. तो आप एक वुमेंस, आप तो किस तरह से कोशिश रही कि बिजनेस के क्षेत्र में राइट उन्हें आप सम्मानित करें, और जिस तरह से हमने आपके अवार्ड को देखा है जिसके ऊपर हमें डायमंड मिला है। राइट, इट्स वेरी प्राउड कि 50 अवार्डीज आउट ऑफ विच 30 वर वुमेन टुडे, जैसे सो इट्स रियली प्राउड कि वुमेन आर एम्पावरिंग देमसेल्फ इन डिफरेंट फील्ड्स एंड सागा स्टार्स ने स्पेशल कैटेगरी रखी है फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ताकि हम उनको ज़्यादा एम्पावर करें, उनके नॉट ओनली उनके जो लोगोज हैं उनके सोशल कॉजेज़ को भी हम आगे बढ़ाएं इस चीज़ में। सो वी आर वेरी कीन ऑन इट एंड वेरी हैप्पी टू हैव दिस प्लेटफॉर्म क्रिएटेड फॉर फीमेल, मेल एंड द एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड। मनीष जी, अवार्ड देखा है, काफ़ी खूबसूरत अवार्ड लगा जिसमें सुपर डायमंड्स था, तो किस तरह से आपने डिसाइड किया कि हमारे इस अवार्ड के साथ सागा स्टार अवार्ड, जिसकी चर्चा हर जगह नज़र आ रही है, उसके लिए यही अवार्ड का जो डिज़ाइन है परफेक्ट? बेसिकली हम लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट सोचा है और धीरे धीरे और भी सिटीज़ में जाएंगे, तो हर एक सिटीज़ में हम लोग थोड़ा सा अवार्ड्स की जो ट्रॉफी है, जो उसका जो सिंबल है, अलग अलग करना चाहते हैं कि हर एक सिटी को उसके हिसाब से उनको एक आइडेंटिटी मिले। जी जी, क्या लगता है कि जो ट्रॉफी आज हमने अवार्ड में देखी है वो काफ़ी खूबसूरत? राइट राइट, क्या लगता है वो क्रेडिट किसको देती है? क्रेडिट टीम को देती हूँ, ऑफकोर्स इट्स नॉट अ वन मैन डिसीजन, बट यस टीम वर्क थी। लास्ट अवार्ड हमारी जो थी, इट वॉज इन डायमंड इन दी हैंड, दिस वॉज अ डायमंड विद अ स्टार, बिकॉज वी बिलीव कि इसमें दो स्टार्स हैं, सो वी बिलीव दैट यू नो द टू स्टार्स, वन स्टैंड्स फॉर ऑल द टीम वर्क एंड वन स्टैंड्स फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स आर गेटिंग इट। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट थी उसके पीछे, एंड द क्रेडिट डेफिनेटली गोज टू द टीम हु वेंट थ्रू द इंटायर प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द अवार्ड, गेटिंग इट। हमारे पार्टनर्स थे सॉलिटेरियो ब्रांड इन्वॉल्व था, दीपक सर इसमें इन्वॉल्व थे, सोहन उनियाल जी इसमें इन्वॉल्व थे, सो द क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ देम। जी उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया, आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो कंटिन्यू स्टेज पे खड़े रहे जब तक सारे अवार्ड इसके अवार्ड डिलीवर नहीं हो गए। तो ये हम लोग के लिए एक बड़ी बात होती है, जिन्होंने अवार्ड लिया उनके लिए भी बड़ी बात होती है कि कोई सेलिब्रिटी आपके लिए इतना टाइम दे रहा है, इतना पेशेंस है। तो बहुत अच्छा लगा कि उनका एक, और सबके साथ उन्होंने बात किया, कभी ऐसा नहीं कि कोई छोटा है बड़ा है, तो बहुत अच्छी बात है। आई सैल्यूट यू ऑल द वे फ्रॉम दुबई, उनकी हेक्टिक फ्लाइट थी एंड नाउ ही इज़ गोइंग बैक उनके काम के लिए। सो इतने हेक्टिक शेड्यूल में उन्होंने हमारे लिए समय निकाला फेलिसिटेट करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स ऑफ पुणे के लिए, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अस एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। जी आप जी जरूर जरूर कह सकते हैं, आप इसको सक्सेसफुल इवेंट कर सकते हैं, और ये सक्सेस की जर्नी ऑल ओवर इंडिया इवन ऑल ओवर वर्ल्ड, मेरा एक ही रूल है लाइफ का कि जहाँ पे
सूरज की रोशनी पहुँच सकती है वहाँ पे आप पहुँच सकते हो। जी रफ्तार बस ऐसी चलती रहेगी, बस आप लोग का सपोर्ट। sky is the limit in this, nothing else. And आप लोग की सपोर्ट होगी, सेलेब्स की सपोर्ट होगी, and it's a teamwork to be in the world and make a difference, and we keen to do that. Thank you so much to all. सबसे पहले तो वेरी बिग थैंक टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और हमें आगे आके पब्लिक तक पहुंचने का मौका मिला। मुझे ये अवार्ड एनवायरमेंटल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिया गया है। मैं पिछले 14 साल से एनवायरमेंटल क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आज तो सबको पता है कि कार्बन एमिशन और क्लाइमेट चेंज, ये सारी दिज़ आर बिकम द बजवर्ड, और उस पर अगर आज हम काम नहीं करेंगे तो वी विल रीच द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उसके बाद में डिस्ट्रक्शन इज़ दी ओनली ऑप्शन, और अगर उसे रोकना है तो हर इंसान को पर्यावरण क्षेत्र में काम करना चाहिए, जितना हो सके कार्बन एमिशन कम करना चाहिए। और उसी क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ पिछले 12-13 सालों से। और हमने जो एक विषय चुना है वो एक अनोखा विषय है, वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जितना कूड़ा कचरा जो होता है उसका प्रोसेसिंग करना, ये हमारा मेन काम है। हर सिटी में बहुत बड़े बड़े डंप साइट्स है, करोड़ों मेट्रिक टन वेस्ट वहाँ पे पड़ा है और उसको हमें ख़त्म करना है। ये हमने एक संकल्प किया हुआ है और उसके लिए हमने एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन डिज़ाइन किया हुआ है जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी प्रेजेंट किया है, और मेरे हिसाब से वो बहुत ही जल्दी हम पब्लिश करेंगे और जितने भी डंप साइट्स हैं वो हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डंप साइट जो है 24 घंटे कार्बन एमिशन कर रही है और उसे कहीं ना कहीं रोकना बहुत ज़रूरी है। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर इंसान की ये जिम्मेवारी बनती है कि अपना कूड़ा कचरा जो भी है उसका वो खुद ख्याल रखे, मैनेज करे। और मेरा कचरा मेरी जिम्मेवारी, ये जो स्लोगन है उसे अपना दें। सो बस दैट इज़ व्हाट इट इज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू एवरीबडी, हेलो ऑल दी रिपोर्टर्स, ऑल दी व्यूअर्स, जो भी वॉच कर रहे हैं, एवरीबडी हेलो एवरीबडी दिल से। एंड आई एम हियर एट इंडियन सागा स्टार अवार्ड्स और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे आज पहली बार हमेशा आर्टिस्ट को, स्टार्स को अवार्ड दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस मैंस को एंड बिजनेस पर्सनैलिटीज़ को भी अवार्ड दिया गया है। तो वो इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज इसी से बिजनेस बढ़ता है, कॉर्पोरेट लेवल बढ़ता है, इसी से काफ़ी सारे बिजनेसमैन, न्यू बिजनेसमैन्स, यू नो कम वो लोग आते हैं, मंच पे आते हैं और उन लोगों को ये मोटिवेट करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड मैं नॉट ओनली एज एन एक्टर बट मैं एज अ बिजनेस मैन ऑल्सो आई एम न्यू इन टू बिजनेस, बट ये मुझे मिला है, मेरे जो नया जो मेरा स्टोर खुला है, फ़ोन का शोरूम खुला है वाशी में, नवी मुंबई में, तो उसके लिए मिला है। जो मेरा नया आउटलेट है वाशी में वो बहुत कम टाइम ही हुआ है, बट उसको बेस्ट मोबाइल आउटलेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा है, बहुत सारी सेलिंग्स है फ़ोन्स के। तो मेरे सारे फैंस, फ्रेंड्स जो भी मुझे देखने आते हैं लेकिन आके फ़ोन खरीद लेते हैं। सो सारा टाइम तो मैं नहीं रह पाता, बट जब भी रहता हूँ सबको मिलता हूँ, सबके साथ पिक्चर्स वगैरह बांटता हूँ, काफ़ी सारे टाइम स्पेंड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। जल्द से जल्द इस अवार्ड को तो मैं बहुत ज़्यादा से ऊपर देखता हूँ, पहली बात तो, और दूसरी बात ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बिकॉज इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं मनीष मौर्या सर एंड दी होल टीम, जो भी स्पॉन्सर्स हैं, जो भी पूरा टीम इसके पीछे लगा पड़ा हुआ है, ये टीम है पूरा, सुप्रिया मैम है, और जो भी पूरा टोटली टीम विच इज़ इन्वॉल्व इन टू इट, ये सब मेरे बहुत क्लोज हैं और बोल सकते हैं कि घर के जैसे ही हैं। सो इसीलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इतने सारे अवार्ड फंक्शंस में मैं जाता हूँ, मुझे अवार्ड मिलता है, बट जब अपने ही ऐसा लग रहा है कि अपने ही, मतलब जो घर के हैं उन लोगों ने ही मुझे अवार्ड सम्मानित किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, और मैं बहुत ज़्यादा इनको, मतलब आभारी हूँ, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
Hi guys, my name is Furti and I'm an author. I'm an international motivational speaker. I go speak at biggest of the events. I do talks on leadership. I do talks on a lot of human development processes. Yeah. मुझे इसके पहले यंग इंटरनेशनल ऑथर्स अवार्ड दुबई में मिला था एंड उसके अलावा मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी काफ़ी सारे अवार्ड मिले एंड येस दिस अवार्ड इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट माइल स्टोन इन माई जर्नी. दिस अवार्ड इज गिवन टू मी फॉर माई मोटिवेशनल स्पीकिंग. या वेलकम. राजश्री कपूर. राजश्री, आज किस कैटेगरी के आज आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और क्या लगता है ये अवार्ड कितना मायने रखता है आज इस हॉल के अंदर से ले जाने वाले सभी के लिए? एक्चुअली सभी के लिए मायने तो बहुत रखता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी मेहनत है और उसी की वजह से सभी को अवार्ड मिला है. एंड इवन ये मेरे हस्बैंड की मेहनत की वजह से मुझे मिला है. एक्चुअली में इनका सपोर्ट है हमेशा और रहेगा मेरे साथ में. विदाउट हिम आई एम नथिंग एंड प्राउड टू बी हिज वाइफ आई एम. एंड बस अभी मैं चाहती हूँ कि ये कुछ बोलें थोड़ा सा कि बट इन लोगों ने बहुत मेहनत की है सभी लोगों ने मिल के और रात दिन एक करके आई थिंक सक्सेस किया है इसको. सभी को पसंद आया है ये और आगे भी करते रहेंगे और आप लोग की ब्लेसिंग मिले इसी तरीके से सबका साथ मिले और अवार्ड्स तो ऐसे ही चलते रहेंगे. जिस तरह से कहते हैं कि हमारे सक्सेसफुल हस्बैंड के पीछे उसकी वाइफ का हाथ होता है लेकिन आपने कहा कि आपके हस्बैंड मेरे हस्बैंड का है रियली सपोर्ट होता है घर के बाहर निकल कर भी आप किस तरह से या इनका सपोर्ट ना हर तरीके से होता है इवन घर के अंदर भी घर के बाहर भी एंड मोटिवेट करते रहते हैं मुझे हमेशा. इवन कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि आई थिंक मैं ये चीज़ नहीं कर सकती बट ये हमेशा मोटिवेट नहीं तू ज़रूर कर सकती है तू कर लेगी मुझे पता है आई नो दैट. तो वो मोटिवेशन जो मिलती है इनसे दैट इज़ एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है मुझे तो फिर मैं कर लेती हूँ उस चीज़ को. ऐसा होता है. जी किस तरह से अवार्ड को आप देख रहे थे ऑर्गेनाइज किया था और क्या लगता है कितना सक्सेसफुली आज ये अवार्ड यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ? मुझे लगता है आप लोगों ने भी देखा होगा क्योंकि पूरा सक्सेसफुली हुआ है स्लो में. सारे पार्टिसिपेंट भी थे सब खुश होकर के गए. लास्ट भी हमने 7 मई को बैंगलोर में हुआ था जो गोविंद जी को लेकर किया गया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था और हमारी ये सोचा कि आगे भी ऐसे ही इस तरह के हम इवेंट्स करते रहें. जितने भी पार्टिसिपेंट थे मेरे ख्याल से जिनमें अवार्ड दिया गया है सभी उसके हकदार थे. कम थे लेकिन वो जो हकदार थे उन्हें ही दिया गया. देखिए इसमें बहुत सारी कैटेगरीज थी एक तो थे नहीं तो जो अपने फील्ड में माहिर थे और जो उसके हकदार थे उन्हें अवार्ड दिया गया. मोटिवेशन मिलता है मैम जब हम अपने शोकेस में अवार्ड देखते हैं तो अपनी मेहनत नज़र आती है कि हमने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए हमें अवार्ड मिला. तो अवार्ड लेना और अवार्ड देना दोनों को किस तरह देखते हैं क्योंकि आपने भी बहुत सारे अवार्ड लिए हैं? जी जी जी. कितना अलग लगा आपको आज? मुझे लगता है अवार्ड लेने से अच्छा है देने में ज़्यादा मज़ा आता है. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. मेरा तिरंगा रेस्टोरेंट है उसके लिए मुझे बेस्ट रेस्टोरेंट का अवार्ड मिला है. बेस्ट रेस्टोरेंट एंड बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विस का अवार्ड मिला है मुझे. कितना अच्छा लगता है जब इस तरह से सम्मानित किया जाता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी एंड जस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ग्रेट इवेंट. वी एन्जॉय द इवेंट वी एन्जॉय विद दिस ऑल द हॉस्पिटैलिटी व्हाट यू हैव प्रोवाइडेड सो वी आर रियली थैंकफुल. On behalf of Tiranga, we are really thankful State. To the organizing committee. State, Adwa. Thank you. Okay. Should we go? Yeah. Okay. So my name is Amy Andlakha and I've received this Saga Star Awards by Vivek Oberoi
today for best female realtors in Pune city. We deal in residential, commercial properties all over Pune city, Mumbai and Delhi as well. Thank you very much. Okay, so I have received many awards, including Women's Glory Award and many awards as such. So this is why this is important, because it is going to establish me as a female realtor in Pune city in a male-dominated industry of realtors. So that is why it is very, very important for me. Thank you. Thank you. वैसे तो मेरा ये पहला अटेंडेंस था कि जो कि लोग मोटिवेट करते हैं लोगों को, और उनका उनके लिए जो ऐसी संस्थाएं काम करती है तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे लोग और मोटिवेट हो जाएंगे और आज और समाज की सेवा करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए सागा कंपनी है, ये जो स्टार अवार्ड सागा कंपनी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और गर्व महसूस हो रहा है। लोगों के लिए, अपने यूथ के लिए क्या आप एक मोटिवेशनल संदेश देना चाहेंगे उनके आगे फ्यूचर के लिए? मैं कहूँगी कि हम रोजी रोटी कमाने के लिए कोई जॉब करता है, कोई सर्विस करता है, कुछ ना कुछ करता है, मगर इसके सिवा भी हम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब हमारा जो समाज के लिए कुछ देना है, तो समाज के लिए एक समझो हम एक रोटी खा रहे थे उसमें से आधी रोटी समाज को देनी चाहिए। हमारा टाइम, खुद का जो टाइम है, उसमें से आधा टाइम समाज के लिए देना चाहिए, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को मदद हो सके, लोगों के नॉलेज बढ़े, उनका मोटिवेशन बढ़े, हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड हम उनको मोटिवेशन दे दें। इससे पूरा समाज प्रगल्भ हो जाएगा और एक रिचनेस हमारे इंडिया का और भी हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, बेसिकली तो ये कंपनी हमारी है, इंडियन सागा अवार्ड, ये मेरी कंपनी है, मनीष हम सब लोग पार्टनर्स हैं। और बिगनिंग से ही हम तरह तरह के शोज़ करते आए, पहले हम फैशन शोज़ करते थे और ये हमारे शो की कड़ी है। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट लोगों को इनवाइट करते हैं। तो आज जो मुझे अवार्ड दिया गया, तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, मेडिटेशन कोच हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ सम्मानित किया गया। और हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया यहाँ, और विवेक ओबेरॉय जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया। तो ये अवार्ड हम इसलिए देते हैं, एक्चुअली में इससे क्या है, आदमी को अप्रिसिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप साल भर मेहनत करते हो और आपको एक ट्रॉफी, एक अवार्ड दे दिया जाए ना, तो आप ज़िंदगी भर सजा कर रखते हो। तो वो एक ऐसा तमगा है जो हमेशा आपका जोश, हौसला और उत्साह बढ़ाता रहता है। भाई देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में आपने अपने काम तो कर ही रहे, कोई जॉब कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ज़िंदगी में आप अपनी ज़रूरतों से हटकर भी कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको दुनिया आपके बाद याद रखे, आप किसी की मदद कर सको, किसी को आगे बढ़ा सको, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करो ज़िंदगी में। वरना क्या, हम जिएंगे, पैदा हुए, बड़े हुए, बूढ़े हो गए, मर जाएंगे। तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते रहिए ताकि आपको भी जोश मिले और लोगों को भी हौसला मिले। ओके, थैंक यू। योगेश भारद्वाज। योगेश जी, आज आप पुणे पहुंचे हैं मुंबई से, किस कैटेगरी के लिए आज आपके अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इंडिया सागा अवार्ड? मैं, हम लोग गारमेंट्स इंडस्ट्री में है, लास्ट 28 ईयर्स से हैं, और बहुत ग्राउंड लेवल से हमने काम स्टार्ट किया हुआ है, और धीरे धीरे करके अभी हमने रिटेल काउंटर में कुछ चैन स्टार्ट किए हुए हैं, कुछ 9 रिटेल काउंटर मेरी नवी मुंबई में हमारे हैं, और पहले से काफ़ी अच्छी हमने ग्रोथ की है, और ग्राउंड लेवल से हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल बिजनेस को। सपोर्ट तो मीन्स ये था कि मेहनत पे लगे रहे और अच्छा डायरेक्शन मिलते रहे, अच्छे लोग मिलते रहे, और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर
कंटिन्यूस। ये अवार्ड पाने के बाद आपके अंदर का जोश और उत्साह और कितना ज़्यादा बढ़ रहा है? जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर आए थे और अभी जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में और अच्छी अचीवमेंट करें वही साथ लेके जाएंगे डेफिनेटली। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राकेश भारद्वाज है। ये हमारा लास्ट जो हम 25 इयर्स से हम गारमेंट्स के बिजनेस में हैं तो ये उसका हमारा रिवार्ड है। जैसा योगेश भाई ने बताया कि फैशन जंगल हमने स्टार्ट किया लास्ट 20 इयर्स पहले हमने स्टार्ट किया था और बिल्कुल डाउन टू अर्थ हम लोग ये बिजनेस को ऊपर अभी लेके आए हैं। लास्ट अभी कलमबोली में 9 हमारी शॉप्स हैं और काफ़ी प्राउड फील हो रहे हैं। देखिए गारमेंट्स के लिए जो भी सिमेस के जो फेयर्स होते हैं गारमेंट्स के, तो सारे फेयर हम लोग अटेंड करते हैं। अभी जैसे लास्ट वीक ही मैंने मुंबई में फेयर अटेंड किए हैं, अहमदाबाद में फेयर अटेंड किए हैं, अभी हम लोग बेंगलोर जा रहे हैं अभी नेक्स्ट वीक में। तो इंडस्ट्री में पूरा ध्यान रखना पड़ता है, परचेजिंग पे सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है, और जिस पर हमारा पूरे फोकस रहता है कि कस्टमर को नए फैशन हम जल्दी से जल्दी कस्टमर को नए फैशन हम दे सकें।